नमस्कार। आगामी 3-4 दिनों की राजस्थान में मौसम की यदि बात करें तो राजस्थान के ऊपर 11-12 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है और इसी की वजह से पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में 11 तारीख को दोपहर के बाद जबकि 12 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा 12 मार्च को देखने को मिलेगा। जयपुर की ओर से किसानों के लिए यह सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की फसलें कटकर तैयार है या पककर तैयार पड़ी है उन फसलों को जहां तक हो सके सुरक्षित रखें ताकि आने वाले मौसमीय परिघटनाओं से अपनी फसल को समय से बचा सकें। इसके अलावा कृषि मंडी या धान मंडी में भी जो जिनसे खुले आसमान में या ओपन स्पेस में पड़ी है उनको भी सुरक्षित स्थान पर रखकर बचाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें यदि 13 मार्च के बाद से तो 13 मार्च से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और एक बार फिर से राजस्थान में मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम का असर 11 मार्च और 12 मार्च को देखने को मिलेगा। धन्यवाद।